हेलो दोस्तों, कैसे हैं? शिमला के जायके में मैं आज बनाने जा रही हूँ गजरेला। तो मैं स्वागत करती हूँ आप सबका अपनी रसोई में। चलो शुरू करते हैं। सर्दियों का महीना है, आजकल मार्केट में थोक में गाजरे आई है तो आसानी से मिल जाती है। सर्दियों में गरम गरम गजरेला मिल जाए तो उसका अपना ही स्वाद है। तो मैंने 3 किलो गाजरे लिए, तो मैं इनकी बाहर की परत पतली पतली निकालूंगी और दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा काटूंगी। तो इस तरह से मैंने ये सारी गाजरे छील लिए, मैंने गाजर सारी छील लिए। तो अब मैं इन्हें अच्छी तरह से धो लूँगी। मैंने गाजर को अच्छी तरह धो दिया है, तो अब मैं इसे कद्दूकस करूँगी। मेरे पास पुराने समय का ग्रेटर है, तो मैं उसमें ग्रेट करूँगी। मैंने सारी गाजरों को कद्दूकस कर लिया है, तो अब मैं इसे कुकर में डालूंगी। इसमें 2 सीटी लगाऊंगी। और आधा गिलास मैं इसमें पानी डालूंगी। कुकर को हम एकदम ठंडा कर देंगे। तो अब हम इसे कढ़ाई में डाल लेंगे, इसका पानी थोड़ा सुखा लेंगे। कढ़ाई हमने गैस पर रख दी है, तो अब हम इसको उसमें डालेंगे। हम फुल गैस पर इसके पानी को सुखा देंगे। देखिए, पानी हमारा सूख रहा है। तो अब हम इसमें, मैंने 2-3 इलायचियां पीस कर रखी है, तो मैं उसका पाउडर डालूंगी। इसमें इसकी अच्छी खुशबू आएगी। इसी तरह हम इसे हिलाते रहेंगे जब तक इसका पानी सूख ना जाए। तो अब हम इसमें 1 कटोरी चीनी डालेंगे। अगर गाजरे मीठी है तो उसमें कम मीठा डालेंगे, अगर फीकी है तो ज़्यादा मीठा डलेगा। तो आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। पानी हमारा सूख चुका है, तो अब हम इसमें 1/2 कटोरी देसी घी डालेंगे। हमारा इसमें अच्छी तरह मिक्स हो चुका है, तो अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। मैंने ड्राई फ्रूट्स में लिए हैं काजू लिए, किशमिश लिए और बादाम लिए, जो मैंने 20 से 1 बादाम के 2 पीस किए हैं। तो अब हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे।
दिया है, तो ये बना हमारा गजरेला। देखिए काफी अच्छा बना है, अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसे सर्व बॉल में डालेंगे। गजरेला हमारा तैयार हो चुका है, तो ये 5-7 मिनट में ही बनके तैयार हो जाता है। इसे गरम गरम ही परोसना चाहिए, ये गरम गरम ही खाने में टेस्टी लगता है। तो हमने प्लेटिंग कर ली है, तो मैंने ये सर्व बॉल में निकाल के रख लिया है। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मैं फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।